ये हमारे पास गाड़ी है WB की पोलो, पोलो गाड़ी 3 सिलेंडर की डीजल। ये हमारे पास ऑयल सील लीकेज था करके ये गाड़ी आया था, ऑयल सील लीक है, हमने नया मंगाया है। ये ओरिजिनल ऑयल सील जेनुअन है गाड़ी का, ये 8,000 रुपये का है। ये हम आपको बताएंगे ये फिट कैसा होएगा। ये बराबर आप टाइमिंग पे नहीं लगाएंगे, इसका टाइमिंग रॉन्ग रहेगा या कुछ गड़बड़ी रहेगा तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होएगी। हमारा पूरा वीडियो देखें, हम आपको बताएंगे कैसा बराबर लगेगा। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक का जो बॉडी है इसमें कट दिया हुआ है, और इसमें सील के साथ में जो रिंग लगा हुआ है उसमें एक होल है, वो आमने सामने आपको रखना है। वो आमने सामने रखेंगे उसके बाद ही आपका जो सेंसर लगा है क्रैंक सेंसर, तभी वो सेंस कर पाएगा, तभी आपकी गाड़ी चालू होएगी। क्रैंक सेंसर आपका जो टाइमिंग पे रहेगा तो ही आपको सेंस करेगा ना, आपको ये जगह पे जो है क्रैंक सेंसर बैठेगा। वो प्लास्टिक का जो बॉडी दिया हुआ है सील का, उसी में आपको क्रैंक सेंसर बैठेगा। ये सेंसर आपका वही जगह पे बैठेगा। हम आपको उसकी पूरी टाइमिंग बताएंगे, क्रैंक का जो क्रैंक का है वो भी और सील का भी दोनों टाइमिंग मैच होएगा तो ही आपकी गाड़ी चालू होएगी। आप थोड़ा भी रॉन्ग कर देंगे आपका लॉन्ग सेलअप लेने लगेगा या रनिंग में बंद पड़ने लगेगा, उससे बहुत सारी दिक्कतें आने चालू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ए कट रखना है, ओ कट वहीं पे रखना है। आप वापस नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। और ये हमारा नया सील है, और इसका चैम्बर खोल के ही लगाएंगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाली केयर खोल के ना लगाएं, चैम्बर भी खोल लें तो आपको परफेक्ट बिठेगा। ये देखो हमने सील लगा दिया है, आपको जो जो टाइमिंग बताया था ये देख सकते हैं। आपका इस सील में जो व्हील लगा है उसका कट और ऊपर बॉडी का कट, और ये वाला कट इसके जस्ट सामने रहेगा, देख सकते हैं। अभी हम इसका क्रैंक सेंसर फिट कर लेते हैं। करेंट सेंसर फिट करने के बाद आपको हम एक जुगाड़ और बताते हैं। ये हमने करेंट सेंसर लगा दिया, ये हमारा दूसरा जुगाड़ है। ये आप नया सील लेंगे तो उसके साथ में आपको ये मिलेगा। आपको ऐसी खाली बिठाना है, एक जगह पे सील का टाइमिंग बराबर रहेगा तो ही ये बैठेगा, रॉन्ग साइड में नहीं बैठेगा। आपको ऐसी बिठा के चेक करना है, आपका बैठ रहा है तो आपका सील एकदम परफेक्ट बराबर है। और आप क्रैंक का जो आपका कट दिखाई दिया था हमें, वो कट पे वहाँ रखना है, इसको यहाँ पे लगा के चेक करना है। गाड़ी हमने चालू कर दिया है, कंप्लीट होने के बाद हमारी गाड़ी चालू है। हमने नीचे मैट डाल दिया है, इसका ऑयल वगैरह गिरेगा तो मालूम पड़ेगा। ये जो इंजन इतने हो रहा है उसका कोई टेंशन नहीं, सुपर रोड के अंदर गियर चेक कर रहे हैं, गियर बराबर जा रहा है, क्योंकि गियर भी उठा रहे थे ना, केबल वगैरह निकाले थे उसकी वजह से। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी।